Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kanika and today I'll be telling you how you can differentiate between an original MAC lipstick and a fake MAC lipstick. Since you guys know, in my last video I have been to Central Market. So I was just shopping there and there was one guy who came up to me and he was like, ma'am, do you want to buy any lipstick like MAC and Huda Beauty? And they were between 100 to 150 or 200 rupees, I suppose. So I was very curious to see how these fake lipsticks are, what are the like quality, and obviously the quality will not be the same, quality bahut zyada degraded hoga. But I was very curious to see कि क्या difference है मेरे original MAC lipstick में और जो एक fake lipstick बाजार में मिलती हैं उनमें. तो I bought one, तो I thought I'll make a video on that कि fake और like original में क्या difference होता है. In any way, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको fake lipsticks या कोई भी copied चीज़ हमारे को use करनी चाहिए. I'm totally against it. Personally, कॉस्मेटिक तो इन एनी केस हमारे को यूज़ करना ही नहीं चाहिए, कोई भी फेक. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मैक या हुडा ब्यूटी और इन दैट केस कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो इट्स बेटर नॉट टू बाय दैट प्रोडक्ट रादर देन कि आप उसका कोई कॉपी ले लें और वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम करे. तो मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट स्नैपडील पर आप देखेंगे कि जो मैक के किट्स हैं वो आपको लाइक 13, 14 प्रोडक्ट्स जो है वो मैक के यू विल बी गेटिंग इन 1500, 1600. तो वी ऑलरेडी नो कि वो सब चीज़ें जो हैं वो फेक हैं. लाइक फ्लिपकार्ट स्नैपडील ये अच्छी साइट्स हैं, बट स्टिल दे आर सेलिंग दीज फेक प्रोडक्ट्स एंड पीपल आर स्टिल बाइंग देम. आई एम पर्सनली टोटली अगेंस्ट कि आपको कोई कॉपीड या फेक चीज़ नहीं लेना चाहिए, बट आई थॉट इट विल बी फन टू शो यू गाइज, जिससे कि अगर आप कोई भी कहीं से ऑर्डर करते हैं तो यू विल नो कि ये फेक है कि ये ओरिजिनल लिपस्टिक है. क्योंकि लिपस्टिक्स आर समथिंग जो गर्ल्स लाइक बहुत ज़्यादा दे आर, एवरी गर्ल इज फॉन्ड ऑफ लिपस्टिक्स. तो उसमें आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन अगर हम ढंग से देखने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कई बार हम खुद भी नहीं देख पाते हैं. मतलब इट टुक टाइम फॉर मी ऑल्सो टू कम एंड चेक कि क्या डिफरेंस है, किस तरीके से है. तो विदाउट वेस्ट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से है. आई विल बी डूइंग द स्वॉच एंड एवरीथिंग, सो लेट्स सी. सो यू कैन सी दीज आर द टू लिपस्टिक्स. द वन ऑन माई लेफ्ट हैंड इज द वन जो ओरिजिनल है एंड दिस इज अ फेक वन. आप दोनों में देख सकते हैं कि इनका जो कलर है बाहर से वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है. दिस इज डार्क ब्लैक और इसका थोड़ा सा ग्रेश टिंज है, तो उससे आपको एक पता चल सकता है. सेकेंडली, आप इस तरीके से देखिए कि इसका जो ये बेसिकली इन्होंने जिस तरीके से मैक लिखा हुआ है इसमें थोड़ा ज़्यादा शाइन है द फेक वन में, और जो ओरिजिनल है उसमें कम शाइन है. और जो फेक वाला है उसका जो फॉन्ट है इट्स अ बिट लार्जर इस वाले से कंपैरिजन में. इफ़ यू कैन सी, इफ़ यू कैन नोटिस इट, बहुत ज़्यादा तो ये लोग डिफरेंस वैसे भी नहीं रखते हैं ओरिजिनल और फेक में, बट देन क्वालिटी में तो अपने आप फ़र्क पता चल ही जाता है. दिस इज़ द फेक वन, दिस इज़ द ओरिजिनल वन. I have taken it in the color red. And the original one is in the color pink. The shade is candy, I suppose. Yeah, candy. So I'll just swatch both. This is the original one. और आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा होगा इसका क्वालिटी जो है वो अभी कैमरा में इतना नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन जो इसका क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है. और रादर जो उसका क्वालिटी है, आई विल जस्ट शो यू, जो उसका क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा थिन क्वालिटी का प्लास्टिक है इसके अंदर. तो कोई भी अगर आप ओरिजिनल या फेक कोई भी आप अगर ऑर्डर करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये दो तीन पॉइंट्स हैं. एक और पॉइंट है कि इसमें आप अगर ये चीज़ देखें कि इसमें जिस तरीके से ये जो डॉट्स हैं साइड में दे आर लाइक प्लेन डॉट्स, ये थोड़े से बेसिकली उभरे हुए हैं. रादर जो ओरिजिनल है उसमें दे आर फ्लैट. सी द डिफरेंस, दिस इज़ द फेक वन, द वन ऑन माई लेफ्ट हैंड इज़ द ओरिजिनल वन. सी द डिफरेंस, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल और उसमें डिफरेंस क्या है.
और अगर आपने कोई मिनी ऑर्डर करा है, जैसे दीज आर द वन जो ओरिजिनल साइजेस हैं, और अगर आपने मिनी लिपस्टिक ऑर्डर करा है तो ऑल्सो देन ऑल्सो आई विल शो यू कि मिनी में भी क्या डिफरेंस है. मिनी लिपस्टिक में द देयर विल बी अ ब्लैक डॉट हेयर, सी, एंड दैट इज ऑल्सो फ्लैट. Now I'll swatch the fake one for you. The shade is fine, but I am just applying it on my hand. I'll just show you कि ये फेस पे किस तरीके से लगता है. Now I'll be showing you कि जो fake वाली है वो application के बाद किस तरीके से लगती है. बहुत डिफरेंस सा स्मेल है इसमें जो कि ओरिजिनल मैक में नहीं होता है. इसका शेड तो बहुत अच्छा है और इसका बड़ा क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन आई हैव अ बिट बर्निंग सेंसेशन ऑन माय लिप्स. मतलब मेरे को बहुत नॉर्मल नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैंने अपने लिप्स पे कुछ लगा रखा है. रादर जब हम मैक का कोई और कॉस्मेटिक, लाइक कोई और हम लिपस्टिक लगाते हैं, वेदर इट इज़ क्रीमी वेदर इट इज़ मैट, तो हमारे को उस तरीके से फीलिंग नहीं होता है. तो इसको लगाने के बाद देयर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन. आई विल बेटर रिमूव इट, बट आई विल ओनली एडवाइज़ कि जो भी फेक कॉस्मेटिक्स हैं उसको आप मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपको नुकसान ही देने वाले हैं, कोई फ़ायदा नहीं करेंगे वो आपका. I personally couldn't apply it for more than 2 minutes. I did it in front of you guys only. और मेरे को personally नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं सूट करा. सबका खैर डिफरेंट होता है, मुझे नहीं इस तरीके की फेक चीज़ें. शायद एक माइंड सेट भी है कि फेक है, तो इन एनी केस मुझे नहीं सूट करने वाला था ये. बट गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट इज़ फ्री. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक द वीडियो. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.